कहाँ छोड़ू? अरे रॉकेट रॉकेट बनाओ रॉकेट। तो पापा यहाँ एक बच्चे को शूज दिला रहे हैं, उसके शूज फट रखे हैं। नहीं नहीं इसे पहनाओ, वो नए नए शूज पहनाओ भाई। सीन हो गया, सीन हो गया। कुछ क्या हुआ, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? तो आज की ब्लॉग होने वाली स्पेशल, कुछ ज्यादा स्पेशल और बहुत ज्यादा खतरनाक और कुछ ज्यादा खतरनाक गाइस। सो फाइनली मेरी ZX10R रैप्टर गाइस पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। तो गाइस जो इसमें खर्चा आया था वो अराउंड 1 लाख रुपीज का खर्चा आया था। जो खर्चा आया था आप सब लोगों को दिखाता हूँ कितना खतरनाक खर्चा आया था। मतलब इतनी सी गिरी थी भाई, हल्की सी, उतने में इतना सारा खर्चा आ गया। और गाइस आज हम जा रहे हैं लॉन्ग राइड पे, तो पापा और मैं जा रहे हैं लॉन्ग राइड में। तो गाइस आज आने वाला आप सब लोगों को बहुत सारा मजा, क्योंकि आज हम जा रहे हैं गाइस नागथाक विराट खाई की साइड। तो गाइस वो जगह एकदम नेक्स्ट लेवल है, वो मतलब जगह मतलब क्या ही बताऊँ, मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल जगह है, नेक्स्ट लेवल। वहाँ पे अमेजिंग वाटरफॉल गाइस, व्यू बहुत सेक्सी है। सामने आपको दिखेंगे हिमालयस, मतलब पूरी चारों तरफ 360 जहाँ आपकी नजर जाएगी वहाँ आपको हिमालय दिखेंगे गाइस। और नीचे है रिवर बहुत ज्यादा डेप्थ में। जिस हिल एरिया में हम राइड करने वाले ना गाइस, वो हाइट बहुत ज्यादा सेम है, बहुत ज्यादा। जिन लोगों को मसूरी पता होगा, सोचो मसूरी से 5 गुना ज्यादा हाइट पे गाइस, 5 गुना ज्यादा हाइट पे। तो आप सब लोग जानना चाह रहे थे कि यार ZX10R रैप्टर में क्या खर्चा आ रखा था, तो दिखाई देता हूँ क्या खर्चा आ रखा था। और गाइस इसकी बैटरी ने, बैटरी ने जीना आराम कर देता, मेरा बैटरी ने तो जीना आराम कर ही जाता। मतलब बैटरी पता कितनी महंगी है इसकी कंपनी में, बैटरी 16,000 रुपये की गाइस, बैटरी 16,000 रुपये की। और अगर ब्लैक में लूंगा तो गाइस 20,000 रुपये की, क्योंकि गाइस बैटरी जो है वो मेड इन जापान है, मतलब बाहर से आती है, इंपोर्टेड बैटरी है, इससे थोड़ी सी महंगी है। महंगी क्या, ज़्यादा ही महंगी, सोचो हमारी जो फॉर्च्यूनर है ना उससे ज़्यादा महंगी बैटरी है। तो फटाफट कराता हूँ अपने पापा से ZX10R और Z1000 कोल्ड चार्ज, फिर आप सब लोगों को दिखाता हूँ खर्चा क्या हुआ गाइस। तो पापा आ चुके हैं फाइनली, ब्रश कर गए और पूरा वहाँ पे बना जा रहा है, रेडी है पापा, करेंगे कोल्ड स्टार्ट। बाइसेप्स गाइस, बाइसेप्स देख लो, अभी भी हाथ नहीं आएगा, देख लो 20 इंच का है, मजाक नहीं कर रहे। गाइस ये भी बहुत था कोल्ड स्टार्ट, पापा टेन आवर और। तो गाइस मुझे नहीं पता है स्टार्ट होगी नहीं है, होगी मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं, हो जाएगी पापा कह रहे हो जाएगी। फाइनली हो गई यार, कल धक्के मार के स्टार्ट करी थी मैंने, धक्के मार के निकाल दो गाइस, मेरे देख लो कितना भयंकर आ रहा है। तो पापा पहनेगा नया हेलमेट, तो गाइस ये हमारा नया हेलमेट है। तो वैसे तो मैं पहनने वाला था इसको, तो मैंने कहा पापा आप ही पहन लो, पापा का गिफ्ट मैंने पापा को कर दिया भाई, आराम से अभी नया नया इसको वापस लगा देंगे। और गाइस अंदर भी एक वाइजर है, बढ़िया। चलो पहनने के बाद देखेंगे पापा पर कैसा लग रहा है ना, अभी समझ नहीं आ रहा, जब पहनेंगे तब समझ आएगा कैसा लग रहा है, पापा पे सेक्सी लग रहा है नहीं लग रहा। कि आप सोच रहे होंगे ना 1 लाख रुपए का खर्चा कैसा आया। सो गाइस ये जो पैनल है ना, एक पैनल 8,000 रुपए का है, तो दोनों पैनल 16,000 रुपए के हो गए। जो मैंने अभी इसकी बैटरी डलवाई है ना गाइस, मैंने इसमें नई बैटरी डलवाई है, जो इसकी ओरिजिनल बैटरी है वो कंपनी में 16,000 रुपए की, उसको 2 महीने लगेगा टाइम देके, पर मैंने 4,000 एक्स्ट्रा देके इंस्टेंट मंगवा ली, तो 20,000 रुपए में बैटरी आ गई, क्योंकि इनके पास पहले से पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा 20,000 रुपए लो। टूटने आ गए, लूट मचा रखी पेट्रोल पंप में आप ना, वो पावर डालो पावर। अरे भाई को बहुत जल्दी है भाई, मेरे से पहले डलवाएगा पेट्रोल। सो गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज मी
नमस्ते एंड यू आर वॉचिंग प्रो राइडर 1000. सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग. सो गाइस, मेरे पीछे चल रही है डोमिनार 400 और पापा चल रहे हैं आगे Z1000 पे. तो मैं आप सब लोगों को ना दो चीज बताना भूल गया, और ये बस वाला ओवरटेक करने नहीं दे रहा है. ओ भाई, रॉन्ग साइड चला गया पूरा बस वाला. ओ भाई, वो देखो पूरा रॉन्ग ले लिया गाइस. जरा ऐसे मत चला यार बस. ओ भाई, देखा आपने, पूरा रॉन्ग ले रहा है बस वाला. ओवरटेक मारने की जगह नहीं, रॉन्ग साइड तो लेना ही पड़ेगा. तो मैं क्या कह रहा था, मैं आप सब लोगों को ना एक चीज बताना भूल गया. अभी हम जा रहे हैं बाबूगढ़ एक तरीके से हमारा फार्म हाउस है. वहाँ पे हमें भैया ज्वाइन करेंगे अपनी ZX10R पे. और मेरी KTM MR390 पहले चली गई थी, रात को ले गए थे सत्यम भैया. अगर आपने स्टोरी देखी होगी मेरे इंस्टाग्राम में तो आप सब लोगों को पता होगा. जिस किसी ने भी मेरे को अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करा, जाके इंस्टाग्राम में फॉलो करो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन. आज जोशुआ सेक्सी पार्ट रही है. अरे ये तो सही है, पापा कहाँ है? पापा चिल्लाएंगे पीछे से, कह रहे तुम दोनों भगा के चले गए. ओ भाई, और पापा का जो हेलमेट लग रहा है ना गाइस, हेलमेट एक बार वॉइस चेक कर लो, एक बार वॉइस चेक दिस आउट. देख रहे हो कितना भयंकर लग रहा है हेलमेट, देखो पापा का. भाई पापा कह रहे आराम से गाइस, पापा ने रॉकेट बना रखी थी कुछ देर पहले, उस समय कैमरा ऑफ था भाई, पकड़ ही नहीं पा रहे थे पापा को. रॉकेट बना रखी थी इधर गोली. देख रहे हो क्या माहौल है, V1000 डोमिनार, भैया की 10R, वो मेरी KTM 390, बस रेडी टू लॉन्च है गाइस, रेडी टू लॉन्च. ओ सब्सक्राइबर गाइस, सब्सक्राइबर. अरे ब्रो थैंक यू सो मच. बॉयज एंड गर्ल्स, फाइनली हमारी राइड स्टार्ट हो चुकी है. यहाँ पे हिल्स पे हम जा रहे हैं विराट खाई और नागथाक की ओर. रोड में मट्टी बहुत ज्यादा से देख के चलानी पड़ेगी भैया, बॉयज देख के चलानी पड़ेगी. बहुत सही लीन चल रही है KTM R390. ओवरटेक की बारी आ चुकी है, ये करो यहाँ से ओवरटेक. पहाड़ में था हल्ला मच रखा ना, पूछो मत. अरे भैया एकदम से झटका देते हुए पापा के पीछे, और यहाँ पे ओवरटेक की पूरी वो, और ओवरटेक ले लिया है यहाँ पे, और सामने गाय. वो गाइस ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है. देखो अगर कोई स्पीड मारता तो उसका तो हो गया था काम 25. यहाँ किसी भी मोड़ पे गाय खड़ी हो सकती है. और एक और बात, यहाँ पे किसी भी मोड़ पे रॉन्ग साइड पे कार भी आ सकती है. यहाँ पे बहुत सारे ऐसे केस हैं जिसमें राइडर अपनी जगह पे था पर रॉन्ग साइड पे कार आ जाती है. तो गाइस हर मोड़ पे सरप्राइज है, यहाँ पे हर मोड़ पे सरप्राइज. पे मार्केट रिएक्शन की बारी हो, मेरा कैमरा चल रहा है नहीं चल रहा है. भाई सीन हो गया कुछ. क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? पता नहीं कहाँ पहुंच गए, पर यहाँ लिखा है चक्रोता 15 किलोमीटर. गाइस रोड बहुत प्यारी है, मतलब जो बाइक चलाने का फील है ना, फील जिग-जैग टर्न्स पे, और यहाँ पे जो नेक्स्ट लेवल आ रहा है ना, नेक्स्ट लेवल. आप सब लोग ये वीडियो में देखते हो, मैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस करता हूँ, सोचो कितना ज़्यादा मज़ा आता होगा ऐसे जिग-जैग टर्न में सुपर बाइक रॉकेट बनाने में, कितना ज़्यादा मज़ा आता होगा गाइस, बहुत ज़्यादा. तो पापा यहाँ एक बच्चे को शूज़ दिला रहे हैं, उसके शूज फट रखे हैं. क्या हुआ? कब खोलेंगे? नाम है तेरा? अरे एक तो ये मास्क हटा, कोविड नहीं है यहाँ पे मास्क पहन रखा, लड़की बन रहा. अबे लड़कियाँ पहनती है मास्क और धोखा मिलता हमें. क्या नंबर है तेरे जूते का? 4. ओके किधर है शॉप?
चल चल भाग भाग भाग, ले ले शूज ले ले, देख फिट आ जाएगा। ओ भाई पापा गए, अरे पापा का हेलमेट सेक्सी लग रहा, देख लो आप जाके। सब लोग वेट कर रहे, ये फटे हुए जूते में घूम रहा था ऐसे ही बाजार में, मैंने इधर बुलाया, मैंने लेटर को जूते लेके देता हूँ, ठीक है? ठीक है ठीक, ये लो। अरे फेंक इसको यार, अब नए जूते मिले तो इसको फेंक ना, नए शूज पहन, नहीं नहीं इसे पहनाओ वो नए नए शूज पहनाओ। भाई आप पैसे काट लो, हम चलते हैं, उसे फेंक दे डस्टबिन में और नए पहन ले। ओए ओ मेंढक, लेस बांध ले पहले उसका, इसमें लेस नहीं है, पुराने वाले फेंक दे और इसे पहन ले। चल ठीक है भाई। ओ भाई ये छोटा सा पपी है गाइस, छोटा सा पपी, वो भाग रहा डर के मारे, वही डर के मारे घुस के अंदर। अरे रॉकेट रॉकेट बनाओ, रॉकेट, अरे पापा रोया की। बॉयज एंड गर्ल्स राइट साइड का व्यू देख लो एक सेकंड, ये लोग कुछ आधे आगे निकल गए, कोई नहीं पकड़ लूंगा आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सब लोग के लिए व्यू, गाइस चेक दिस व्यू आउट, भाई एक नंबर सेक्सी है, बहुत ज़्यादा हाइट में, बहुत ज़्यादा हाइट में। मिठाई खाओगे आप लोग? यार मेरे से मिठाई ले लो ये ना, अरे मेरी बुआ ने दी थी मेरे को खाने के लिए, ये लो आप लोग खा लेना। जौन सारी हो? मैं भी हाँ, इनको भी दे दो एक ना, नाक थक है, नाक थक पुराने काल सी। देखिए हम इधर साइड, पता नहीं विराट का इस साइड ही है ना, हाँ इधर चिलमिली टॉप भी है एक, पीछे रह गया ऊपर लेफ्ट से। ये आपकी बकरी है? आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं यहाँ पे हैं? बाइक में जाना है। चलो बाय बाय, थैंक यू। कहाँ छोड़ू स्कूल? क्या इधर चल लो ना। कौन से गांव के हो? समझीपा काले बोली। जौन सारी हो? मैं भी। नाक थाक पुरानी कालसी। कान फाड़ दिए पीछे वाले के। अरे भाई गाइस हेलमेट के अंदर अभी जो हुआ है ना धमाका, मतलब पूछो मत। स्वाइप कर लो, मैं चला रहा है, क्या बोल रहे हो? अरे भाई चलो चलो चलो, पापा बोल रहे पेट दब रहा, पापा ने चलो डाइट ले लग रहा। अरे गाइस क्या सेक्सी लग रही है अपनी टेनार, हैंकर देख लो, अरे हेलमेट देख लो, बाइक देख लो, बैग देख लो, मतलब मेरा नाम देख लो अगस्त चौहान, सेक्सी लग रहा है यार। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, अरे 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 मजाक कर रहा हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा हाइट में, बहुत ज़्यादा हाइट में। अभी यहाँ पे मंदिर था, वहाँ से होके आए हैं मंदिर से, और गाइस चेक दिस आउट, वो क्या व्यू है। तो वो जो लाइन दिख रही है ना आपको उस साइड, उसके पीछे पूरा हिमालयस है। दरअसल वो इसलिए दिख नहीं रहा क्योंकि गाइस पूरा एरिया में ना फॉग हो रखा है, पूरे एरिया में फॉग हो रखा है,
इस चक्कर में आप सब लोग को दिखाई नहीं दे रहा हो गाइस। व्यू मतलब क्या ही बताऊँ, मतलब व्लॉग में देखने में अलग है, सामने रियल लाइफ एक्सपीरियंस करने में, 10 आवर चलाने में और ऐसा व्यू एंजॉय करने में ना, मतलब अलग ही लेवल का मजा है। सो बॉयज एंड गर्ल्स, फाइनली पहुंच चुके हैं डेस्टिनेशन विराट का। यो गाइस, आंखों में धूप लग रही है, बिल्कुल सामने है सन मेरे बिल्कुल आंखों के सामने, मतलब कैमरे में भी देखा नहीं जा रहा। जो व्यू है ना गाइस एकदम नेक्स्ट लेवल हो, जो सुपर बाइक का फन है ना गाइस यहाँ तक चलाने में, मतलब तीन तीन सुपर बाइक, दो एक 390 नहीं दो 390 नहीं अरे क्या बोल रहा हूँ, एक RC 390, एक RC ड्यूक, एक डॉमिनर 400। और गाइस पीछे व्यू देख लो कितना सेक्सी है। ओ माय गॉड गाइस, इतना प्यारा व्यू, ओ माय गॉड, ये तो दिखाना बनता है आप सब लोग को यार, एकदम नेक्स्ट लेवल का व्यू, एकदम नेक्स्ट लेवल का। ओ भाई क्या व्यू है यार, सेक्सी व्यू है यार भाई, क्या व्यू है, कैप्चर हो रहा है, हाँ कैप्चर हो रहा है। देख हम वाले ब्रिज से आए, हम वाले ब्रिज से आए ना, कहाँ ब्रिज वो हम उस, हाँ ये वाला, हम वाले ब्रिज से आए अभी कुछ देर बाद, वहां पे जाने हैं हमें। वो ब्रिज दिख रहा है, वाले ब्रिज से आए हम, और उससे आगे वो डैम है, अभी हमें गाइस वाले ब्रिज में जा रहे हैं वापस, और उसी ब्रिज में फ्लाई होगा बहुत भयंकर वाला। वही रिएक्शन देख लो, वही ऐसा लग रहा है भयंकर, दो चार हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं यहाँ पे।